हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 1862 लंदन शहर से होती है, जहाँ पे हम एमेलिया वॉरेन को देखते हैं, जो कि अपने बहन एंटोनिया के साथ कहीं पे जाते हुए हम देखते हैं कि तभी इसी बीच एमेलिया को उसके अतीत के कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, जब उसके हस्बैंड पेरी की एक हॉट बलून से नीचे गिरकर मौत हुई थी। अपने बहन को ऐसा देख एंटोनिया एमेलिया से कहती कि शायद उन्हें यहीं पे अपना सफर रोक देना चाहिए, लेकिन एमेलिया ऐसे करने से मना करती है। वही सीन चेंज होकर अब मूवी के दूसरे कैरेक्टर यानी जेम्स को हम देखते हैं, जो कि एक वेदर साइंटिस्ट रहता है। जेम्स अपने पार्टनर जॉन के साथ एक हॉट एयर बलून को टेक ऑफ के लिए तैयार कर रहा होता है, जो इस समय सबसे बड़ा एयर बलून रहता है। और आज ये लोग 23,000 फीट जितने हाइट तक जाने की फ्रेंच वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने वाले थे, जिन्हें देखने के लिए काफी सारे लोग आए होते हैं। लेकिन तभी जॉन जेम्स को खराब वेदर के बारे में बताता है और उन्हें टेक ऑफ को कैंसिल कर देना चाहिए कहता है। और उनकी बातें चली रही होती है कि तभी इनके पास नेड नाम का आदमी आता है, जो इस एयर बलून का मालिक होता है और इस पूरे मिशन के लिए पैसे भी उसी ने दिए होते हैं। नेड उन्हें टेक ऑफ में देरी क्यों हो रही है ये पूछता है, जिस पर जॉन उन्हें बताता है कि अभी खराब मौसम है इसीलिए रुके हुए हैं। मगर नेड फिर उसे कहता है कि उन्हें आज किसी भी हालत में टेक ऑफ करना होगा, वरना उसके लगाए हुए पैसे सारे डूब जाएंगे। लेकिन जेम्स फिर नेड को भरोसा दिलाता है कि वो किसी भी तरह इस मिशन को पूरा करेगा। और तभी वहाँ पे आए हुए लोग चिल्लाने लगते हैं और हम एक बार फिर से एमेलिया को देखते हैं। एमेलिया दरअसल एक पायलट होती है और वही इस एयर बलून को आज फ्लाई करने वाली थी। एमेलिया अपने साथ अपने डॉग पोसी को भी लेके जा रही होती है और ये देखकर जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एमेलिया उसकी बातों में इतना ध्यान नहीं देती और लोगों को एंटरटेन करने लग जाती है। मगर इसी बीच एमेलिया का ध्यान क्राउड में खड़े एक मिस्टीरियस आदमी पर पड़ता है, जिसे देख वो कुछ सेकंड के लिए खो जाती है, पर फिर अनदेखा कर टेक ऑफ की तैयारी खत्म करने लग जाती है। वही ये मिस्टीरियस शख्स कौन है हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इधर उनकी तैयारी पूरी होने के बाद एमेलिया और जेम्स टेक ऑफ करते हैं और सारा क्राउड उन्हें चेयर करने के लिए चीखने लगता है। ये लोगों के लिए कुछ अजूबे से कम नहीं था। वही थोड़ी हाइट पर पहुंचने के बाद एमेलिया अपने मूव से नीचे खड़े लोगों को एंटरटेन कर रही होती है और तभी एमेलिया जॉन से उसके डॉग पॉसी को उसके पास करने के लिए कहती है, मगर जॉन को ये पागलपन लगता है और वो मना करता है। लेकिन एमेलिया के बार बार कहने पर वो उसे डॉग दे देता है, लेकिन फिर एमेलिया उसके डॉग को बास्केट से नीचे फेंक देती है और ये देख जॉन और नीचे खड़े लोग सारे डर जाते हैं। लेकिन तभी डॉग के नीचे रखा हुआ पैराशूट खुल जाता है और पॉसी सही सलामत नीचे जमीन पर उतर जाता है और एमेलिया की ये ट्रिक देख सारे लोग खुश होते हैं। मगर वही जेम्स को एमेलिया की ये हरकत जरा भी पसंद नहीं आती और वो उसे सीरियस होने के लिए कहता है, लेकिन एमेलिया उसे कहती है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, यहाँ वहाँ आसपास नीचे देखो कितना अच्छा नजारा है। और जेम्स जब ऊपर से पूरा लंदन शहर देखता है, वो इन व्यू देख कुछ समय के लिए पूरा खो जाता है। वही धीरे धीरे कर वे दोनों भी 1200 फीट जितनी हाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी नजर ऊपर बादलों पर पड़ती है, जिसे देख एमेलिया जेम्स को अलर्ट रहने के लिए कहती है। इधर इसी बीच जेम्स की नजर नीचे एक साइंस इंस्टीट्यूट पर पड़ती है, जहाँ की छत पर चढ़कर 2 साल पहले जेम्स जॉन के साथ चार्ल्स ग्रीन नाम के एक फेमस एरोनॉट्स को फ्लाई करते हुए देखने आया था और उन्हें उड़ता हुआ देख जेम्स काफी इंस्पायर हुआ था। अब इसके बाद जेम्स फिर लंदन रॉयल सोसाइटी को देखता है, जहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट के साथ साथ चार्ल्स ग्रीन भी आया था, जिसे जेम्स को इंस्पिरेशन मिली थी। फिर जेम्स उन सभी को अपनी थ्योरी के बारे में बताता है कि कैसे वो फ्यूचर में वेदर को प्रिडिक्ट कर सकता है, जिसके लिए उसे फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। मगर जेम्स की ये थ्योरी उन सभी को बकवास लगती है और सभी लोग उसका मजाक बनाकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये समय ऐसा था जहाँ पे साइंस की ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी और इसलिए लोगों को पता नहीं था कि हम फ्यूचर में हवामान कैसे होने वाला है ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यही बात जेम्स सबको बताने की कोशिश कर रहा था। वही जेम्स अब अपनी यादों से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि वो लोग अब 5400 फीट हाइट पर जा चुके हैं।
यहाँ पे जेम्स वेदर और उनकी लोकेशन की रीडिंग को एक पेपर में लिखता है और उसे अपने साथ लाए हुए एक कबूतर के पैर में बांध कर उसे नीचे भेजता है ताकि लोगों को उनके लोकेशन के बारे में जानकारी मिले। अब देखते देखते उनका बलून कुछ काले बादलों के बीच में आ जाता है और अपने आप को इन बादलों के बीच में देख जेम्स और एमिलिया काफी खुश होते हैं। पर इसी बीच एमिलिया को एक बार फिर से वो शख्स दिखाई देता है जो उसे नीचे दिखाई दिया था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं एमिलिया का हस्बैंड था जो कि मर चुका था और उसके उसे विजन्स आते थे। इधर जेम्स अपने इंस्ट्रक्शन से रीडिंग ले रहा होता है कि तभी उन्हें ऊपर बादलों से बिजली कड़कड़ाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाते उनका बलून तेज हवाओं के बीच में फंस जाता है और इसी बीच जेम्स के सर पे चोट लग जाती है। वही एमिलिया बलून को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है ताकि वो इस तूफान से बाहर आ सके, लेकिन हवा इतनी तेज रहती है कि एमिलिया बास्केट से ही बाहर गिर जाती है और इतने ऊंचाई में लटकने लगती है, लेकिन जेम्स समय रहते वहां आकर एमिलिया को ऊपर खींच लेता है। यहां पे एमिलिया थोड़ा भी समय वेस्ट ना करते हुए बलून में रखे सारे सैंड बैग्स को नीचे गिराना शुरू करती है जिससे उनका बलून हल्का हो सकता है और कुछ ही देर के बाद वो लोग इस तूफान से बाहर निकल आते हैं। अब दोनों भी राहत भरी सांस लेते हैं और उनकी जान बच गई होती है इसीलिए काफी खुश होते हैं। और तभी जेम्स की नजर बादलों पर पड़ती है जहां उसे उनके बलून की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ये देख जेम्स समझ जाता है कि वो लोग कितने ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आवाज नहीं होता, बस ये एक शांत जगह होती है और आसपास बस बादल ही बादल थे। और जेम्स खुशी में जोरों जोरों से चीखने लगता है। जेम्स को ऐसे देख एमिलिया भी उसी की तरह चीखने लगती है, पर इसी दौरान एमिलिया को एक बार फिर से उसके हस्बैंड के विजन आने लगते हैं और फिर हम अतीत में जाते हैं जहाँ पे हम उसके हस्बैंड पेरी को देखते हैं जिसकी मौत 2 साल पहले हुई थी, लेकिन एमिलिया अभी भी उसे भुला नहीं पाई थी और इसीलिए एक दिन उसकी बहन एंटोनिया एमिलिया को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाती है और वहीं पे एमिलिया की मुलाकात जेम्स से होती है। जेम्स एमिलिया को उसके वेदर प्रेडिक्ट करने वाली थ्योरी के बारे में बताता है और एमिलिया से एज अ पायलट उसकी रिसर्च में मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर एमिलिया भी मान जाती है। और फिर अगले दिन से एमिलिया कुछ लोगों के साथ मिलकर एयर बलून को बनाने के काम में लग जाती है। वही अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ पे एमिलिया अभी भी उदास होती है, मगर तभी उसके पास से कहीं से तो एक तितली उड़ के आती है। ये देख जेम्स को एक थ्योरी याद आती है कि इंसेक्ट्स भी हवा में जो करंट रहता है उसे यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो वही एमिलिया जो उदास रहती है इन तितलियों को देख उसका मूड पूरा बदल जाता है और वो जेम्स को बताती है कि मेरे पति भी काफी साहसी थे लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। जेम्स एमिलिया को समझाता है। ये सीन इधर ही कट होके वापस हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पे जेम्स की रिसर्च चली रही होती है कि तभी एमिलिया उसके पास आती है और बताती है कि वो उसके साथ मिशन पे नहीं आ सकती, जिसके बाद जेम्स को फिर से चार्ल्स के पास मदद मांगने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन चार्ल्स उसकी मदद करने से मना करता है, उल्टा उसका ही मजाक बना देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और इस ऑपरेशन पे तुम जा भी नहीं सकते। यानी पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी उसके इसी थ्योरी को लेके। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ पे दोनों भी अब 23,000 फीट के हाइट पर पहुँच चुके होते हैं, मतलब कि उन लोगों ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। जेम्स फिर ये मैसेज एक कबूतर के थ्रू चार्ल्स को भेजता है, लेकिन इसी बीच एमिलिया एक चीज नोटिस करती है कि इसका टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिर रहा है और जेम्स से कहती है कि उन्हें अब नीचे जाना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही खतरा होगा, लेकिन जेम्स उसे कहता है कि उन्हें और भी ऊपर जाना चाहिए। और जेम्स के फोर्स करने पर एमिलिया फिर एक शर्त पर मान जाती है कि उन्हें थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद तुरंत नीचे आना होगा, जिसपे वो भी मान जाता है। अब एमिलिया बलून को और ऊंचाई पर लेके जाती है। अब इनका सब चल ही रहा था तभी वापस वही सीन एक बार फिर से अतीत में चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जब एमिलिया ने जेम्स के साथ मिशन पर चलने से मना किया था तभी जॉन एमिलिया के घर उसे मनाने के लिए आया था, जहाँ वो एमिलिया को जेम्स की एक बुक देता है जिसमें जेम्स ने अपनी थ्योरी के बारे में चीजें लिखी होती है। जॉन कहता है कि जेम्स ने आज ये प्रेडिक्ट किया था कि आज के दिन स्नो गिरने वाला है, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
और ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। वही एमिलिया अपने दुख में अपने पति के ग्रेव के यहाँ पे जाती है और तभी बर्फ गिरने लगती है। ये देख एमिलिया को जेम्स के थ्योरी पर यकीन आ जाता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे अब वो दोनों भी 26,500 फीट हाइट पर आ चुके होते हैं और टेम्परेचर लगभग -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। जेम्स फिर उनकी रीडिंग को पेपर पे लिखकर उसे कबूतर के पैर में बांधकर नीचे भेजता है, लेकिन उसका आखिरी बचा हुआ कबूतर ठंड के कारण मारा जाता है, जिसके बाद जेम्स उसके कबूतर के केज को नीचे फेंक देता है ताकि वो और भी ऊपर जा सके। पर एमिलिया ये देख जेम्स को रोकने की कोशिश करती है और तभी कम प्रेशर होने के कारण जेम्स के नाक से खून आने लगता है। एमिलिया जेम्स को कहती है कि उन्हें कैसे भी अभी नीचे जाना होगा, ये वेदर हमारे लिए ठीक नहीं है। पर जेम्स उसे कहता है तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी तरह डरता था, इसीलिए उसकी जान चली गई। ये सुनते ही एमिलिया को गुस्सा आता है और वो जेम्स से कहती है तुम्हें मेरे हस्बैंड के डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर वो उसे उस एक्सीडेंट के बारे में बताने लगती है। जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय बलून मैं उड़ा रही थी और मेरे हस्बैंड के मना करने के बावजूद मैं और ऊंचाई तक बलून को लेके गई थी, लेकिन इसी वजह से हमारा बलून फट गया था और हम तेजी से नीचे गिरने लगे। हमने फिर हर एक चीज नीचे गिरा दी थी ताकि इसका वेट कम हो, लेकिन हम फिर भी तेजी से नीचे गिरते गए और फिर मजबूरी में ना चाहते हुए भी मेरे हस्बैंड ने बलून से नीचे छलांग लगा दी ताकि मैं बच सकूं। अब ये जानने के बाद जेम्स को बहुत ही शर्मिंदा महसूस होने लगता है और वो एमिलिया से माफी मांगता है, जिसके बाद वो लोग बलून को नीचे लेके जाने के लिए मान जाते हैं। एमिलिया फिर बलून के गैस वाल्व को खोलने की कोशिश करती है तो वही जेम्स को अब धीरे धीरे सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी नहीं होता और इसी कारण से उसका शरीर का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है और वो बेहोश होने लगता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं होता। इसीलिए एमिलिया काफी बहादुरी से अपनी जान को खतरे में डालकर धीरे धीरे बलून के ऊपर जाने लगती है। अब ऊपर चढ़ने के बाद वो अपने बूट से बलून को मारती है और एक होल बनाती है जिससे कि बलून से गैस निकलने लगती है और 36,000 फीट की हाइट पर आने के बाद वो लोग फिर से नीचे जाना शुरू कर देते हैं। पर ठंड का असर अब एमिलिया पर भी पड़ने लगा था और वो उधर ही बेहोश होकर गिर जाती है और तभी वो बलून से नीचे गिर जाती है। पर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो रस्सी से बंधी थी, इसीलिए वो लटकने लगती है और बच जाती है। अब कुछ देर के बाद फिर एमिलिया को धीरे धीरे होश आने लगता है और किसी तरह वो खुद के शरीर को पूछ करके बास्केट तक पहुंच जाती है। अंदर आने के बाद फिर वो जेम्स को देखती है, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, उसे लगता है कि वो मर गया है, लेकिन तभी जेम्स की आंख खुल जाती है। ये देख एमिलिया भी काफी खुश होती है। अब वही वो लोग देखते ही देखते 28,600 फीट के हाइट पर आते हैं, लेकिन तभी उनके आसपास बर्फ गिरना बंद हो जाता है। ये देख एमिलिया समझ जाती है कि उनका बलून भी उसी स्पीड पर नीचे जा रहा है जिस स्पीड से बर्फ नीचे जा रही थी। तभी एमिलिया की नजर बलून के गैस वाल्व पर पड़ती है जिससे काफी सारी गैस लीक हो रही थी और उनका बलून अब टूटने लगता है। ये देख दोनों भी जल्दबाजी में बास्केट में से सारी चीजें नीचे फेंकने लगते हैं, पर इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वे लोग बलून के रस्सियों पर चढ़ जाते हैं और बास्केट को बलून से अलग कर उसे भी नीचे गिरा देते हैं, मगर वो फिर भी नीचे गिरते ही जा रहे होते हैं। यहाँ पे एमिलिया इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रही होती है, क्योंकि उसी ने गैस वाल्व में होल बनाया था और वो जेम्स को बचाने के लिए खुद नीचे जंप मारने जा रही होती है कि तभी जेम्स उसे रोकता है और बलून की सभी रस्सियों को काट देता है, जिससे उनका बलून एक पैराशूट की तरह काम करने लगता है और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। अब देखते ही देखते कुछ देर के बाद वो लोग एक अनजान लोकेशन पे लैंड कर जाते हैं। इसके कारण उन्हें काफी चोट लगती है, लेकिन वो दोनों भी खुद को जिंदा रखने में कामयाब हुए थे, जिसके कारण दोनों भी खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ था और ये लोग वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब कुछ समय के बाद हम जेम्स को देखते हैं, जिसे रॉयल सोसाइटी का इनवाइट आता है, जहाँ पे जेम्स उसके 36,020 फीट तक जाने का नया रिकॉर्ड के बारे में सबको बताता है और जो लोग पहले उसका मजाक बनाया करते थे आज वही लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। और वो अपने रिसर्च में की गई स्टडीज के बारे में बताता है कि कैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफी सारे लेयर्स हैं
और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रेजेंट करता है जिससे साइंटिस्ट वेदर की प्रेडिक्शन कर पाएंगे। वही मूवी के अंत में हम एमेलिया को जेम्स के साथ देखते हैं जो अब दोनों साथ में खुद के बलून में उड़ रहे होते हैं ताकि जेम्स अपनी रिसर्च जारी रखें और मूवी धरी खत्म होती है।